लीजिए सुनिए जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी चित्र मंदिर, वाचन समीर गोस्वामी का है। प्रकृति तब भी अपने निर्माण और विनाश में हंसती और रोती थी। पृथ्वी का पुरातन पर्वत विंध्य उसकी सृष्टि के विकास में सहायक था। प्राणियों का संचार उसकी गंभीर हरियाली में बहुत धीरे धीरे हो रहा था। मनुष्यों ने अपने हाथों को पृथ्वी से उठाकर अपने पैरों पर खड़े होने की सूचना दे दी थी। जीवन देवता की आशीर्वाद रश्मि उन्हें आलोक में आने के लिए आमंत्रित कर चुकी थी। यौवन जल से भरी हुई कादम्बिनी सी युवती नारी रीछ की खाल लपेटे एक वृक्ष की छाया में बैठी थी। उसके पास चकमक और सूखी लकड़ियों का ढेर था। छोटे छोटे हिरनों का झुंड उसी स्रोत के पास जल पीने के लिए आता। उन्हें पकड़ने की ताक में युवती बड़ी देर से बैठी थी, क्योंकि उस काल में भी शस्त्रों से आखेट नर ही करते थे और उनकी नारियां कभी कभी छोटे मोटे जंतुओं को पकड़ लेने में अभ्यस्त हो रही थीं। स्रोत में जल कम था। वन्य कुसुम धीरे धीरे बहते हुए एक के बाद एक आकर माला की लड़ी बना रहे थे। युवती ने उनकी विलक्षण पंखुड़ियों को आश्चर्य से देखा। वे सुंदर थे, किंतु उसने इन्हें अपनी दो आरंभिक आवश्यकताओं काम और भूख से बाहर की वस्तु समझा। वो फिर हिरणों की प्रतीक्षा करने लगी। उनका झुंड आ रहा था। युवती की आंखें प्रलोभन की रंग भूमि बन रही थी। उसने अपनी ही भुजाओं से छाती दबाकर आनंद और उल्लास का प्रदर्शन किया। दूर से एक कूक सुनाई पड़ी और एक भद्दे फल वाला भाला लक्ष्य से चूक कर उसी के पास के वृक्ष के तने में धस कर रह गया। हां, भाले के धसने पर वो जैसे न जाने क्या सोचकर पुलकित हो उठी। हिरन उसके समीप आ रहे थे, परंतु उसकी भूख पर दूसरी प्रबल इच्छा विजयनी हुई। पहाड़ी से उतरते हुए नर को वो सतृष्ण देखने लगी। नर अपने भाले के पीछे आ रहा था। नारी के अंग में कंप, पुलक और स्वेद का उद्गम हुआ। हां, वही तो है जिसने उस दिन भयानक रीछ को अपने प्रचंड बल से परास्त किया था और उसी की खाल युवती आज लपेटे थी। कितनी ही बार तब से युवक और युवती की भेंट निर्जन कंदराओं और लताओं के झुरमुट में हो चुकी थी। नारी के आकर्षण से खिंचा हुआ वो युवा दूसरी शैलमाला से प्रायः इधर आया करता और तब उस जंगली जीवन में दोनों का सहयोग हुआ करता। आज नर ने देखा कि युवती की अन्यमनस्कता से उसका लक्ष्य पशु निकल गया। विहार के प्राथमिक उपचार की संभावना न रही। उसे इस संध्या में बिना आहार के ही लौटना पड़ेगा। तो क्या जानबूझकर उसने अहेर को बहका दिया और केवल अपनी इच्छा की पूर्ति का अनुरोध लेकर चली आ रही है? लो, उसकी बाहें व्याकुलता से आलिंगन के लिए बुला रही हैं। नहीं, उसे इस समय अपना आहार चाहिए। उसके बाहुपाश से युवक निकल गया। नर के लिए दोनों ही अहेर थे, नारी हो या पशु। इस समय नर को नारी की आवश्यकता ना थी। उसकी गुफा में मांस का अभाव था। संध्या आ गई। नक्षत्र ऊंचे आकाश गिरी पर चढ़ने लगे। आलिंगन के लिए उठी हुई बाहें गिर गईं। इस दृश्य जगत के उस पार से, विश्व के गंभीर अंत्यस्थल से एक करुण और मधुर अंतर्नाद गूंज उठा। नारी के हृदय में प्रत्याख्यान की पहली ठेस लगी थी। वो उस काल के साधारण जीवन से एक विलक्षण अनुभूति थी। वन पथ में हिंस पशुओं का संचार बढ़ने लगा, परंतु युवती उस नदी तट से न उठी। नदी की धारा में फूलों की श्रेणी बिगड़ चुकी थी और नारी की आकांक्षा की गति भी विच्छिन्न हो रही थी। आज उसके हृदय में एक अपूर्व परिचित भाव जग पड़ा, जिसे वो समझ नहीं पाती थी। अपने दलों से दूर गए हुए लोगों को बुलाने की पुकार वायुमंडल में गूंज रही थी, किंतु नारी ने अपनी बुलाहट को पहचानने का प्रयत्न किया। वो कभी नक्षत्र से चित्रित उस स्रोत के जल को देखती और कभी अपने समीप की उस तिकोनी और छोटी सी गुफा को, जिसे वो अपना अधिवास समझ लेने के लिए बाध्य हो रही थी। रजनी का अंधकार क्रमशः सघन हो रहा था। नारी बारंबार अंगड़ाई लेती हुई सो गई। तब भी आलिंगन के लिए उसके हाथ नींद में उठते और गिरते थे। जब नक्षत्रों की रश्मियां उज्ज्वल होने लगी और वे पुष्ट होकर पृथ्वी पर परस्पर चुंबन करने लगीं, तब जैसे अंतरिक्ष में बैठकर किसी ने अपने हाथों से उनकी डोरियां बट दी और उस पर झूलती हुई
दो देव कुमारियां उतरी। एक ने कहा, सखी विधाता, तुम बड़ी निष्ठुर हो। मैं जिन प्राणियों की सृष्टि करती हूं, तुम उनके लिए अलग अलग विधान बनाकर उसी के अनुसार कुछ दिनों तक जीने, अपने संकेत पर चलने और फिर मर जाने के लिए विवश कर देती हो। दूसरी ने कहा, धाता, तुम भी बड़ी पगली हो। यदि समस्त प्राणियों की व्यवस्था एक सी ही की जाती तो तुम्हारी सृष्टि कैसी नीरस होती और फिर ये तुम्हारी क्रीड़ा कैसे चलती। देखो ना, आज की ही रात गंधमादन में देवबालाओं का नृत्य और असुरों के देश में राज्य विप्लव हो रहा है। अतलांत समुद्र सूख रहा है, महामरुस्थल में जल की धाराएं बहने लगी हैं और आर्यावर्त के दक्षिण विंध्य में अंचल में एक हिरण न पाने पर एक युवा नर अपनी प्रेयसी नारी को छोड़कर चला जाता है। उसे है भूख, केवल भूख। धाता ने कहा, हां बहन, इन्हें उत्पन्न हुए बहुत दिन हो चुके, पर ये अभी तक अपने सहचारी पशुओं की तरह रहते हैं। विधाता ने कहा, नहीं जी, आज ही मैंने इस वर्ग के एक प्राणी के मन में ललित कोमल आंदोलन का आरंभ किया है। इनके हृदय में अब भावलोक की सृष्टि होगी। धाता ने प्रसन्न होकर कहा, तो अब इनकी जड़ता छूटेगी ना। विधाता ने कहा, हां, बहुत धीरे धीरे। मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए अभी इनके पास साधनों का अभाव है। धाता कुछ रूठ सी गई। उसने कहा, चलो बहन, देव नृत्य देखें। मुझे तुम्हारी कठोरता के कारण अपनी ही सृष्टि अच्छी नहीं लगती, कभी कभी तो ऊब जाती हूं। विधाता ने कहा, तो चुपचाप बैठ जाओ, अपना काम बंद कर दो, मेरी भी जलन छूटे। धाता ने खिन्न होकर कहा, अभ्यास क्या एक दिन में छूट जाएगा बहन? तब क्या तुम्हारी सृष्टि एक दिन में स्वर्ग बन जाएगी? चलो, सुरबालाओं का सोमपान हो रहा है, एक एक चषक हम लोग भी लें। कहकर विधाता ने कर्णों की रस्सी पकड़ ली और धाता ने भी, दोनों पैंग बढ़ाने लगी। ऊंचे जाते जाते अंतरिक्ष में वे छिप गईं। नारी जैसे सपना देखकर उठ बैठी। प्रभात हो रहा था, उसकी आंखों में मधुर स्वप्न की मस्ती भरी थी। नदी का जल धीरे धीरे बह रहा था, पूर्व में लाली छिटक रही थी। मलयवात से बिखरे हुए केश पाश को युवती ने पीछे हटाया। हिरणों का झुंड फिर दिखाई पड़ा। उसका हृदय संवेदनशील हो रहा था, उस दृश्य को निस्प्रह देखने लगी। ऊषा के मधुर प्रकाश में हिरणों का दल छलांग भरता हुआ स्त्रोत लांग गया, किंतु एक शावक चकित्सा वहीं खड़ा रह गया। पीछे आखेट करने वालों का दल आ रहा था। युवती ने शावक को गोद में उठा लिया। दल के और लोग तो स्त्रोत के संकीर्ण तट की ओर दौड़े, किंतु वो परिचित युवक युवती के पास चला आया। नारी ने उसे देखने के लिए मुंह फिराया था कि शावक की बड़ी बड़ी आंखों में उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। क्षण भर के लिए तन्मय होकर उन निरीह नयनों में नारी अपनी छाया देखने लगी। नर की पाशव प्रवृत्ति जग पड़ी। वो अब भी संध्या की घटना को भूल न सका था। उसने शावक छीन लेना चाहा। सहसा नारी में अद्भुत परिवर्तन हुआ। शावक को गोद में चिपकाए जिधर हिरण गए थे, उसी ओर वो भी दौड़ी। नर चकित्सा खड़ा रह गया। नारी हिरणों का अनुसरण कर रही थी। नाले, खोह और छोटी पहाड़ियां, फिर नाला और समतल भूमि, वो दूर हिरणों का झुंड, वहीं कुछ दूर बराबर आगे बढ़ी जा रही थी। आखेट के लिए उन आदिम नरों का झुंड बीच बीच में मिलता, परंतु उसे क्या, वो तो उस झुंड के पीछे चली जा रही थी जिसमें काली पीठ वाले दो हिरण आगे आगे चौकड़ी भर रहे थे। एक बड़ी नदी के तट पर, जिसे लांघना असंभव समझकर हिरणों का झुंड खड़ा हो गया था, नारी रुक गई। शावक को उनके बीच में उसने छोड़ दिया। नर और पशुओं के जीवन में वो एक आश्चर्यपूर्ण घटना थी। शावक अपनी माता के स्तनपान करने लगा। युवती पहले पहल मुस्कुरा उठी। हिरणों ने सिर झुका दिए। उनका विरोध भाव जैसे नष्ट हो चुका था। वो लौटकर अपनी गुफा में आई, चुपचाप थकी सी पड़ी रही। उसके नेत्रों के सामने दो दृश्य थे। एक में प्रकांड शरीर वाला प्रचंड बलशाली युवक चकमक के फल का भाला लिए पशुओं का अहेर कर रहा था। दूसरे में वो स्वयं हिरणों के झुंड में घिरी हुई खड़ी थी। एक में भय था, दूसरे में स्नेह। दोनों में कौन अच्छा है, वो निश्चय न कर सकी। नारी की दिनचर्या बदल रही थी। उसके हृदय में एक ललित भाव की सृष्टि हो रही थी। मानस में लहरें उठने लगी थी। पहला युवक प्रायः आता, उसके पास बैठता और अनेक चेष्टाएं करता, किंतु युवती
अचल पाषाण प्रतिमा की तरह बैठी रहती। एक दूसरा युवक भी आने लगा था, वो भी अहेर का मांस या फल कुछ ना कुछ रख ही जाता। पहला इसे देखकर दांत पीसता, नस चटकाता, उछलता कूदता और हाथ पैर चलाता था। तब भी नारी ना तो विरोध करती ना अनुरोध, उन क्रोधपूर्ण हुंकारों को जैसे वो सुनती ही ना थी। ये लीला प्रायः नित्य हुआ करती। वो एक प्रकार से अपने दल से निर्वासित उसी गुफा में अपनी कठोर साधना में जैसे निमग्न थी। एक दिन उसी गुफा के नीचे नदी के पुलिन में एक वराह के पीछे पहला युवक अपना भाला लिए दौड़ता आ रहा था। सामने से दूसरा युवक भी आ गया और उसने अपना भाला चला ही दिया। चोट से विकल वराह पहले युवक की ओर लौट पड़ा, जिसके सामने दो अहेर थे। उसने भी अपना सुदीर्घ भाला कुछ कुछ जान में और कुछ अनजान में फेंका। वो क्रोध मूर्ति था। दूसरा युवक छाती ऊंची किए हुए आ रहा था, भाला उसमें घुस गया। उधर वराह ने अपनी पैनी डाढ़ पहले युवक के शरीर में चुभो दी। दोनों युवक गिर पड़े, वराह निकल गया। युवती ने देखा, वो दौड़कर पहले युवक को उठाने लगी, किंतु दल के लोग वहां पहुंच गए। उनकी घृणापूर्ण दृष्टि से आहत होकर नारी गुफा में लौट गई। आज उसकी आंखों से पहले पहल आंसू भी गिरे, एक दिन वो हंसी भी थी। मनुष्य जीवन की ये दोनों प्रधान अभिव्यक्तियां उसके सामने क्रम से आई। वो रोती थी और हंसती थी, हंसती थी फिर रोती थी। वसंत बीत चुका था, प्रचंड ग्रीष्म का आरंभ था। पहाड़ियों से लाल और काले धातु राग बहने लगे थे। युवती जैसे उस जड़ प्रकृति से अपनी तुलना करने लगी। उसकी एक आंख से हंसी और दूसरे से आंसू का उद्गम हुआ करता, और वे दोनों दृश्य से प्रेरित किए रहते। नारी ने इन दोनों भावों की अभिव्यक्ति को स्थायी रूप देना चाहा। शावक की आंखों में उसने पहला चित्र देखा था। कुचली हुई वेतस की लता को उसने धातु राग में डुबोया और अपनी तिकोनी गुफा में पहली चितेरिन चित्र बनाने बैठी। उसके पास दो रंग थे, एक गैरिक दूसरा कृष्ण। गैरिक से उसने अपना चित्र बनाया, जिसमें हिरणों के झुंड में वो स्वयं वहीं खड़ी थी, और कृष्ण धातुराग से आखेट का चित्र, जिसमें पशुओं के पीछे अपना भाला ऊंचा किए हुए भीष्माकृति का नर था। नदी का वो तट अमंगलजनक स्थान बहुत काल तक नरसंचार वर्जित रहा, किंतु नारी वहां अपने जीवन पर्यंत उन दोनों चित्रों को देखती रहती और अपने को कृतकृत्य समझती। विंध्य के अंचल में मनुष्यों के कितने ही दल वहां आए और गए। किसी ने पहले उस चित्र मंदिर को भय से देखा, किसी ने भक्ति से। मानव जीवन के उस काल का वो स्मृति चिन्ह, जबकि उसने अपने हृदय लोक में संसार के दो प्रधान भावों को प्रतिष्ठा की थी, आज भी सुरक्षित है। उस प्रांत के जंगली लोग उसे राजधानी की गुफा और ललित कला के खोजी उसे पहला चित्र मंदिर कहते हैं। अभी आप सुन रहे थे जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी चित्र मंदिर। वाचन समीर गोस्वामी का था।